भिंड जिले में बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें लहार विधानसभा के गांव मारपुरा से एक बेटा अपने पिता को ठेले पर लेटाकर इलाज कराने के लिए अस्पताल ले जा रहा था। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसने 108 एम्बुलेंस को फोन किया था लेकिन एम्बुलेंस को फोन लगा नहीं तो वो अपने पिता को ठेले पर ही अस्पताल के लिए निकल गया। वही इस खबर को छुलाने पर कलेक्टर ने पत्रकार पर FIR दर्ज करा दी है। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। दरअसल ठेले पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पत्रकारों ने खबरें चलाई तो कलेक्टर महोदय सतीश कुमार एस ने अपने अधीनस्थों से झूठी जांच रिपोर्ट मंगवाकर तीन पत्रकारों पर 420 की FIR दर्ज करा दी। मामले में जब FIR हो गई तब पीड़ित परिवार के पास पत्रकारों ने दोबारा उनका पक्ष जानना चाहा तो पता चला कि प्रशासन ने पीड़ितों को भी धमका दिया है। उनसे कह दिया है कि सबके सामने यदि जुबान खोली तो शासन की योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा और ऊपर से कठोर कार्रवाई कर दी जाएगी। चल रही है शासन की सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है क्या? नहीं बना है आयुष्मान कार्ड, नहीं बना है भामाशाह कार्ड, नहीं बना है हमारा। ये तो गलत झूठ बोल रहे हैं सरवा साहब। बोलते हैं कि 50 रुपया लगा के अपना आयुष्मान कार्ड निकलवा लो। दूसरी चीज बताया जा रहा है कि पत्रकारों पर दबाव बनाया बताया जा रहा है। जो खबर चली है वो पत्रकारों ने गलत चलाई, क्या गलत खबर बनाई थी? नहीं गलत नहीं चलाई है, हकीकत चलाई है। हकीकत देखा है यहाँ, ये बेशरम के डंडे लगे ये भी हकीकत देख लिया जा सब लगे हैं। अभी तांगे ना तो आज लगा दिए ना उस दिन से लगाए। चार पहिया का ठेला कहाँ से आया था आपके पास? चार पहिया का ठेला तो मैं पानी भरने के लिए बनवाए हैं, वो लिख दिए पानी पूरी का धंधा करते हैं। अच्छा तो आप पानी पूरी का धंधा ही करते हैं? पानी पूरी का धंधा नहीं करते हम। क्या करते हो आप? लकड़ी का काम करते हैं बाड़ी गिरी। अच्छा ये बोल रहे थे, यही बोल रहे थे कि हरी सिंह तुमको परेशानी आ जाएगी, तुम फदियत में आ जाएगी, तुम्हारी फदियत हो जाएगी। SDM साहब बोल रहे थे ऐसा मत बोलो हरी सिंह, हम तुम्हारे बिछोर बोल रहे हैं, तुम ऐसा मत बोलो नहीं तुम्हारी वो आ जाएगी कि बोले तुम मामा पा जाओगे। हाँ बोल रहे थे तुम पत्रकार, तुम पे दबाव तो नहीं डाल रहे हैं? हरी सिंह ये बोले के दबाव का डाल रहे हैं। उस दिन हमने खुद बोला है कि ठेले तो उस दिन लेके जा रहे थे हमको, तो रास्ते में मिल गए तो उनने क्या वो? अभी प्रशासन ने आप पर आकर दबाव बनाया है क्या? अभी इतना ही बोल रहे थे काना को ये तुम्हारा सब छीन लेंगे, हरी सिंह का तुम्हारा हकीकत में आ जाएगा, तुमको ले जाएंगे डाल देंगे। वही पूरे वाक्य पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कलेक्टर और SDM पर कार्रवाई को लेकर CM शिवराज से मांग की है। वहीं अब पीड़ितों ने भी प्रशासन की रोज की धमकी से बचने के लिए नेता प्रतिपक्ष के निवास पर पहुंचकर मदद के लिए गुहार लगाई है। नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं इस बात का घोर विरोध करता हूँ। मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी से अनुरोध करता हूँ, इस प्रकार के निकम्मे अधिकारी जो जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, सच्चाई को दबाने का काम कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी न निभाकर जनता को राहत न पहुंचाकर फर्जी कार्रवाई करते हैं, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे पास पीड़ित पक्ष के बयान हैं, मीडिया में भी उसके बयान हैं, लिखित में भी उसने दिया है कि हमें ज़बरदस्ती हमारे ऊपर लिखाया है। FPM लाहार और जिन अधिकारियों ने जाके उसको दबाव दिया है और असत्य पंचनामा बनाया है उनके विरुद्ध भी 420 धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज होकर गिरफ्तार होना चाहिए। आए दिन भिंड कलेक्टर पत्रकारों पर दबाव बनाकर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। ताकि सेवक है न कि मालिक, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह इस प्रकार की कार्रवाई बंद करें। भिंड की जनता इन सब घटनाओं को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ भिंड का और चंबल का पानी, सिंध का पानी दबाव में धौंस में काम करने का आदि नहीं रहा है। इस दक्षिण भारत नहीं है कलेक्टर साहब, यहाँ के लोग अन्याय के खिलाफ विद्रोह करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में यहाँ लाल सेना बना के अंग्रेज ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने का काम किया था। आप नियम कायदे के तहत कार्रवाई करें, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। इस मामले के सुर्खियों में आने के बाद से क्षेत्र के पत्रकारिता जगत में विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं अब गेंद सरकार के पाले में है कि सच की आवाज उठाने पर क्या ये सजा दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट MP News भिंड।